एशिया की सबसे बड़ी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का खेल, लोगों को खूब आ रही पसंद। झील में राफ्टिंग की रफ्तार, खूबसूरत तस्वीरों से टिहरी हुई गुलजार, जो भी देखा देखता ही रह गया। अब उत्तराखंड में भी मिल रहा ओलंपिक का मजा। ये कोई ओलंपिक का आयोजन नहीं है, ये कोई विदेशी धरती की तस्वीरें नहीं, ये नजारा है उत्तराखंड का, ये झलक है टिहरी की, जहां वैसी तस्वीरों ने पूरे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि प्रदेश को भी गुलजार कर दिया। इतनी खूबसूरती से टिहरी खेल रहा है कि जो भी देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। इस खेल में हिस्सा लेने वाले या फिर इस खेल में शामिल होने वाले दोनों लोगों के लिए पल किसी हसीन से कम नहीं, क्योंकि जो खेल वो टीवी में देखते आ रहे वो खेल वो खुद खेल रहे हैं, और जिस हौसले और हिम्मत को लेकर ओलंपिक के खेलों में देखते हैं वो खेल भी अब खूब खेला जा रहा है। ऐसा नहीं है इस खेल में सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी अपना दम टिहरी में दिखा रहे हैं, अपने अपने राज्य की हौसला बढ़ाने के लिए इस खेल को आगे ले जा रहे हैं। जिस बांध में इस खेल का आयोजन हो रहा है उसकी जितनी तारीफ करेंगे कम ही है। ठंडी वादियों को समेटे और खिलखिलाती हरियाली बता रही है कि मौसम कैसा है। बिना लहरों के भी लहर रही पानी की धार में इस खेल का आयोजन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल ये नजारा एशिया के सबसे बड़े बांध में शुमार टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप का है। स्पोर्ट्स कप में खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस वाटर स्पोर्ट्स कप से टिहरी ही नहीं बल्कि प्रदेश को भी प्रगति की राह मिलेगी, क्योंकि ऐसे खेलों से विकास की गति को रफ्तार मिलती ही है। साथ ही साथ टिहरी के लोगों को भी ऐसे मौकों में शामिल होने का अनुभव मिलता है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स की बात कही जा रही है, ये उत्तराखंड में दूसरी बार हो रहा है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स के जरिए दूर से आने वाले लोगों को भी अनुभव मिलेगा। इस वाटर स्पोर्ट्स कप में 28 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ऐसा खेल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि वहाँ के युवाओं को भी हिम्मत और हौसला देता है। इस खेल में शामिल होने के लिए दूर से आने वाले लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें पहाड़ की ये हंसी वादियाँ खूब पसंद आ रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स कप में शामिल होने के लिए खिलाड़ी काफी तैयारी कर आते हैं, जिससे वो इस खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकें। इस खेल में शामिल होने के बाद भी कई तरह की सफलताएं खिलाड़ियों को कदम छूने को आतुर हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे खेलों से हौसले की मीनार मजबूत हो जाती है। टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि वन मंत्री उनियाल ने कहा, THDC के सहयोग से लगातार दूसरी बार टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के शिवपुरी और कोडियाला पहले ही राफ्टिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अब आने वाले समय में टिहरी झील दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनेगी। झील में लगातार वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं होने से इसे विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। आपको बता दें कि वाटर स्पोर्ट्स कप की शुरुआत हो चुकी है। अगले 4 दिन तक ये माहौल बना रहेगा और उत्तराखंड की रौनक को 4 चांद लगाएगा।